अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिरयानी मसाला किस तरीके से बनता है। असल टेस्ट जो कि बिरयानी के अंदर आता है वो मसाले का ही होता है, और ये कमर्शियली मसाला किस तरीके से बनता है। काफ़ी अरसे से काफ़ी सारी भाइयों की बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी बिरयानी मसाले के बारे में। व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारी बहनों ने भाइयों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बनाने लगा हूँ। तो देख लेते हैं दोस्तों, कमर्शियली बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन मसालों को हमने रोस्ट करना है वो आपको दिखा देते हैं। यह लिया है मैंने गरम मसाला, तमाम चीज़ें इसके अंदर। धनिया साबुत ये लेंगे, अजवाइन लेनी है हमने। इन सारी चीज़ों को हमने रोस्ट करना है, ये रोस्ट करने वाले मसाले हैं। सफ़ेद ज़ीरा लेना है, सौंफ लेनी है खुशबू के लिए, काला ज़ीरा लेना है, ये आपको मार्केट से मिल जाता है। तो ये तो सारी चीज़ें हैं रोस्ट करने वाली, जिसको हमने रोस्ट करना है। बाकी जो इसके बीच में मिक्स करेंगे, ये दोस्तों मैंने ली हैं सुर्ख मिर्च असल वाली। आलू बखारा लेंगे इसके लिए, और ये हैं खड़े मसाले के अंदर सब्ज़ इलायची है, बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता ये लेंगे, जायफल जवादरी ये अपन चाहिए होगी, लौंग चाहिए होंगी हमें इसके लिए। ये तमाम चीज़ें बाद में मिक्स करेंगे। काली मिर्च साबुत ये चाहिए हमें, नमक चाहिए होगा इसके लिए, थोड़ा सा मोटा नमक है इसको मैं पीस लूँगा। जिंजर गार्लिक पाउडर ये चाहिए, और थोड़ी सी दोस्तों इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर दूँगा, ताकि हमारे मसाले के अंदर गुठलियाँ ना पड़े और इसकी लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ जाए। तो चूल्हा मैंने जला दिया है बिल्कुल हल्की आंच पे, आपने इसको रोस्ट करना है। तेज़ आंच पे ये जल जाएगा आपका मसाला, सौंफ भी जल जाएगी और ज़ीरा भी जल जाएगा, और ब्लैक ज़ीरा और ज़्यादा काला हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें जिन जिन चीज़ों का हमने रोस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना। तो इसमें शामिल कर देते हैं, तकरीबन 60 ग्राम के करीब गर्म मसाला है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ये थोड़ा सा ज़्यादा लेना है हमने, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, सौंफ लेंगे 1 टेबल स्पून, काला ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून, अजवाइन लेंगे 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को 6 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे हमने रोस्ट कर लेना है, जलनी नहीं चाहिए ये तमाम चीज़ें। तो माशाल्लाह से जैसे जैसे दोस्तों इसको मैं रोस्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, इस रेसिपी से अगर जो आप बिरयानी मसाला बनाएंगे, तो आपकी बिरयानी बहुत ही परफेक्ट बनेगी और बहुत ही जानदार बनेगी, और बाज़ार के जो महंगे मसाले होते हैं बिरयानी मसाले, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। सिंपल रेसिपी है बिरयानी मसाले बनाने की, इसकी क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी है कि कितनी कितनी चीज़ें हमने इसके अंदर लेनी है। और ये बनाकर आप तकरीबन बगैर किसी भी केमिकल के इसको 1 महीने, अगर जो आप कमर्शियल लेवल पे दोस्तों ये काम करना चाहते हैं, फिर आपको इसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे इसकी लाइफ कम से कम 1 साल तक हो जाएगी। तो मसाला हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब इसको पीस लेंगे। तो इसको डाल देंगे ग्राइंडर जार के अंदर। तो कुछ चीज़ें दोस्तों हमने इसके अंदर साबुत इस्तेमाल करनी है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर पीस लेंगे। ये तमाम मसाले को पीसेंगे, और जायफल जवादरी जो है उसको भी हमने पीसना है। नमक दोस्तों मेरे पास थोड़ा सा मोटा है, तो मैं नमक भी इसके अंदर शामिल करूंगा, ताकि वो भी थोड़ा सा पीस के सेट हो जाए। 1 चम्मच के करीब चीनी वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक मेरे पास मोटा है, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा, ताकि अच्छे से पीस जाए। और जायफल जवादरी जो है इसको भी इसमें शामिल कर देंगे, आप तोड़ के इसको इसमें शामिल कर लिया करें पीसने के लिए, तो इससे और ज़्यादा अच्छे से पीस जाएगी ये। और 2 से 3 मिनट हमने मशीन को चलाना है, जब तक कि ये अच्छे से पाउडर ना बन जाए। तो दोस्तों चीनी इसके अंदर मैंने इसलिए शामिल की है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, चीनी से इसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। बिना किसी केमिकल के आप इसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा आपका मसाला। मगर करना क्या है, आपने इसका ढक्कन बंद करके रखना है, एयर टाइट जार में इसको बंद करके रखना है।
जैसे जैसे कोई भी मसाला हो उसको हवा लगती है, नमी उसके अंदर जाती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये टिप भी आपने याद रखनी है। तो माशाल्लाह से हमारे जो गर्म मसाले हैं वो पीस चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। तो मैं जार को अच्छे से साफ़ कर लूँ, थोड़ा सा मसाला साइडों में लग जाता है तो सारा का सारा मसाला अच्छे से उतार लेंगे इसके अंदर से, ताकि ज़रा से भी कोई मसाला हमारा रह ना जाए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों महंगा पड़ता है ये गर्म मसाला, तो ये वैसे भी रिजक भी है, इसको ज़ाया नहीं करना। अब सुर्ख मिर्चें शामिल कर रहा हूँ मैं इसके अंदर 80 ग्राम, ये 8 टेबल स्पून बनेगी। हल्दी शामिल करेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब, इसके अंदर हल्दी शामिल कर रहे हैं। लौंग शामिल कर लेंगे इसमें, 25 से 30 पीस हैं दोस्तों लौंग के। काली मिर्च शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून जितनी, 10 से 12 पीस आलू बुखारे के ये शामिल कर लेंगे, और बाकी ये जो हमारा तेज़ पत्ते, बड़ी इलायची और सब्ज़ी इलायची है खुशबू के लिए, ये चीज़ें शामिल करेंगे। जिंजर गार्लिक पाउडर ये शामिल कर लेंगे, 1 टीस्पून है ये दोनों, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये जो दोस्तों हमारा मसाला तैयार हुआ है, ये कम से कम 8 किलो चावल का मसाला है, 7 से 8 किलो चावल की आप इसमें देग बना सकते हैं इतने मसाले के अंदर। इंशाल्लाह परफेक्ट आपकी बनेगी, परफेक्ट बिरयानी बनेगी इस मसाले से। और आप इसका कलर, इसका लुक भी देख लें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आया है, बिल्कुल किसी भी ब्रांड से, मशहूर ब्रांड से अच्छा बिरयानी मसाला ये हमारा बना है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और जो मसाले हमने रोस्ट किए थे उसकी वजह से इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो अगर जो दोस्तों आपको घर में बिरयानी बनानी हो, तो अगर जो आपको लाइट मसाले की बिरयानी बनानी हो, तो फिर आपने 1 किलो चावल के अंदर ये 2 टेबल स्पून मसाले के इस्तेमाल करने हैं। इस तरीके से एक बर्नी ले लें, उसमें इसको डाल के रख लें। तो 1 किलो चावल अगर जो आपके होंगे तो 2 टेबल स्पून नॉर्मल मसाले के अंदर, अगर जो आपको तेज़ मसाला चाहिए हो तो फिर 2.5 से 3 चम्मच आप इसके अंदर लेंगे मसाले के, बिरयानी मसाले के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़्यादा हमारा मसाला तैयार हो चुका है, ये कम से कम मेरे पास 1 महीने दोस्तों चलेगा, और शायद इससे भी ज़्यादा, और इंशाल्लाह ये 1 महीने तक मुझे उम्मीद है ये ख़राब भी नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगा करें तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक किया करें, अच्छी ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।